दुनिया में कोई भी मां बाप अपने बच्चे को बिगाड़ने का काम नहीं करते। दुनिया में कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों को बिगाड़ने का काम नहीं करते। पर फिर भी इंसान को बिगाड़ने का काम अगर कोई करता है तो केवल एक ही चीज इंसान को बिगाड़ती है, और वो है उसको मिलने वाली गलत संगत। गलत सोहबत के कारण आदमी बिगड़ जाता है, गलत संगत के कारण आदमी बिगड़ता है। संत की अगर संगत दे दो तो उसकी रंगत बदल जाती है, और बिगड़ा हुआ आदमी का भाग्य संवारने का काम एक संत कर लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज ही हम जैसे गुरुजनों के पास आकर सत्संग में शरीक होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जिसको न सुधार पाए, जिन बिगड़ी हुई औलादों को माँ बाप न सुधार पाए, उनको कोई चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की पाठशाला में आकर के सुधरने का एक स्वर्णिम अवसर मिल जाता है, एक गोल्डन चांस उन्हें मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को सुधरने के लिए, बदलने के लिए, रूपांतरण के लिए। इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। सब बोलो, इंसान की, दिमाग पर हाथ रखकर, इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। थोड़ा अभिनय कर लो भले, इंसान की अच्छी सोच, नॉट सोच, अच्छी सोच, इंसान की अच्छी सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। पर इंसान की अच्छी आदतें इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। अगर कोई भी व्यक्ति समय रहते अगर अपनी आदतों को नहीं बदलता है तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान की बुरी आदतें इंसान के खुद के ही समय को बदल देती है। अगर इंसान के समय को बदलना है तो सबसे पहले इंसान की आदतों पर हमें काम करना पड़ेगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है वैसी उसकी क्रियाएं होती है, जैसी उसकी क्रियाएं होती है वैसी उसकी आदतें बनती है, और जैसी उसकी आदतें होती है वैसा ही इंसान का चरित्र बनता है। इसलिए एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए पहले अच्छी आदतों का निर्माण करना जरूरी है। बुरी आदतें इंसान के जीवन में शैतान की तरह आती है, और अच्छी आदतें इंसान के जीवन में देवदूत बनकर आती है। अगर शैतान हमारे जीवन में आएगा तो अपना पूरा कुनबा अपने साथ लेकर आएगा, और देवदूत अगर हमारे जीवन में आएगा तो अपना पूरा कारवां हमारे साथ लेकर आएगा। देवदूत अगर आएगा हमारे जीवन में तो दिव्यताएं बढ़ेंगी, और शैतान अगर आएगा तो इंसान केवल शैतानी करने का काम करेगा। बुरी आदतें इंसान के लिए शैतान की तरह है, और अच्छी आदतें इंसान के लिए किसकी तरह? देवदूत की तरह। किसकी तरह? किसकी तरह? दूसरी बार जोर से बोलो तो। अच्छी आदतें इंसान के जीवन में देवदूत बनकर आती है, और बुरी आदतें इंसान के जीवन में शैतान बनकर आती है। क्या हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति आज अगर जुआ खेलता है, देखो बुरी आदतें कैसे पूरा अपना कुनबा लेकर के आती है। कोई व्यक्ति अगर जुआ खेल रहा है, मानकर चलिए वो व्यक्ति आगे जाकर के चोरी करने का काम भी कर रहा है। शैतान जब आता है तो अपना पूरा कुनबा, अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेकर आता है। जुआ खेलने वाला आदमी चोरी भी करेगा, चोरी करने वाला आदमी छुरा भी चलाएगा, कत्ल भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, 10 तरह के उसके साथ शैतानी प्रकृतियां जुड़ती चली जाएंगी। पर अगर कोई व्यक्ति अच्छी आदत का मालिक बन रहा है, एक अच्छी आदत अगर आदमी के जीवन में आती है, उसके साथ कई अच्छी आदतें आती चली जाती हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ये निर्णय कर लेता है कि आज से मैं अपने आप को शांति दूत बना रहा हूँ, खुद को शांति दूत बनाने की आदत अपने भीतर ला रहा हूँ, अगर व्यक्ति शांति को महत्व देगा, अशांति छूटेगी, नंबर 1 तनाव मिटेगा, नंबर 2 चिंता मिटेगी, नंबर 3 गुस्सा उससे गायब होगा, नंबर 4 और वो जहाँ रहेगा वहाँ पर शांति का ही साम्राज्य फैलाएगा। हर तरह से अच्छी आदत आदमी के जीवन में देवदूत बनकर आती है, और डिवाइननेस अपने आप गुड हैबिट के कारण परिणाम के रूप में निकल करके आ जाती है। आप ये समझो, बुरी आदत
यानी जीवन में लगने वाला सूर्य ग्रहण। मैंने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं? बुरी आदत यानी जीवन में लगने वाला ग्रहण। दोबारा बोलो, बुरी आदत यानी क्या है ये? जीवन में लगने वाला सूर्य ग्रहण। सूर्य का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली कोई चीज है तो वो सूर्य ही है। पर एक बुरी आदत सूर्य ग्रहण लगाने का काम कर लेती है कि जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप में से हर किसी आदमी में प्रधानमंत्री बनने की ताकत है, आप में से हर किसी व्यक्ति में। कोई नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, कोई अब्दुल कलाम बन सकते हैं, कोई अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, कोई कल्पना चावला, तो कोई किरण बेदी, और कोई आप में से ही सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं। पर हम क्यों नहीं बन पा रहे? कोई न कोई वजह है। आखिर जो पहुंचे वो भी हमारी तरह इंसान थे। महावीर और बुद्ध भी हमारे जैसे ही इंसान थे, पर उन्होंने अपने पत्थर पर काम किया और पत्थर को पत्थर न रहने दिया, अपने पत्थर को हीरा बना लिया। हमने अपने पत्थर पर काम न किया, इसलिए गली के पत्थर की तरह हम धर धर धक्के खाने वाले इंसान बन गए। मेरे प्रभु जी, बुरी आदत इंसान के जीवन में सूर्य ग्रहण का काम करती है और अच्छी आदत आदमी के जीवन में सूर्योदय का काम करती है। कैसा काम करती है बुरी आदत? क्या कर रही है? सब बोल लो। अपने बच्चों को भी जाके सुना देना, अपने पड़ोसियों को भी जाकर के सुना देना, और उनसे जाकर कहना कि बुरी आदत इंसान के जीवन में सूर्य ग्रहण का काम करती है और अच्छी आदत आदमी के जीवन में सूर्योदय का काम करती है। सूर्य उदय होते ही सारी दुनिया का अंधेरा दूर हो जाता है, और सूर्य ग्रहण लगते ही पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाता है। अच्छी आदतें इंसान के जीवन को संवारती है, अच्छी आदतें इंसान के जीवन में सफलता देती है, अच्छी आदतें आदमी के रिश्तों में मिठास घोलती है, अच्छी आदतें इंसान का करियर बनाती है, अच्छी आदतें इंसान को साधक बनाती है और मुक्ति पथ का पथिक बनाती है। बिना अच्छी आदतों के व्यक्ति अपने सिर पर तिलक तो लगा सकता है पर धर्म का आचरण नहीं कर सकता। उसके चरण तभी आचरण से जुड़ेंगे जब इंसान के जीवन में अच्छी आदतें होंगी। हमने अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए हर किसी अपने स्नेही जनों के जीवन में केवल एक ही काम करने के लिए प्रेरित किया है, और हमने ये कहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में दो बुरी आदतें हैं, मैं कहूंगा उसकी चिंता छोड़ो, आप दो अच्छी आदतें लेकर आ जाओ, और जैसे ही अच्छी आदतें डेवलप होंगी बुरी आदतें अपने आप ही कम 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 होती चली जाएंगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? लाठी से मारो, उसे बंदूक से मारो, उस पर तोप गोला चलाओ, अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? समझते हैं कि अंधेरा दूर करने का तरीका क्या है? मैं आपसे ही आपका समाधान निकलवाता हूं। समस्या का समाधान निकालना ही हमारे बोलने का उद्देश्य है। हाँ प्रभु जी, अंधेरा दूर करने का तरीका क्या? बंदूक से मारो, लाठी से मारो, कटार से मारो, रोशनी लाओ और अंधेरा भगाओ। वेरी गुड, एक समाधान मिला है, और वो समाधान क्या है? ताली बजाइए, सम्मान कीजिए। सरदार जी का सम्मान करता हूं, और सम्मान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि अगर अंधेरा दूर करना है तो उजाला करो, रोशनी फैलाओ, अपने आप अंधेरा दूर होगा। आप अपने जीवन में दो पॉजिटिव हैबिट लेकर के आइए, अपने आप आपके जीवन में पलने वाली नेगेटिव हैबिट अपने आप निकल जाएगी। नेगेटिव हैबिट यानी अंधेरा, पॉजिटिव हैबिट, गुड हैबिट यानी उजाला। जो जो उजाला बढ़ेगा त्यों त्यों अंधेरा मिटता चला जाएगा।